जय भारत। साथियों, मैं पवन कुमार आके कमांडो फिजिकल एकेडमी जिला ट्रेनर। आज जो आपने देखा होगा कि हमारा जो सप्ताह जो टेस्ट होता है मंडे के दिन, आज बारिश की वजह से हमारे जवान जो कमांडो ग्रुप से जुड़े वो छात्र नहीं आ पाए। लेकिन मैं जितने भी अग्निवीर रैली की भर्ती की तैयारी कर उनको बता देना चाहता हूँ, एक जो सोल्जर होता है चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, अपने बॉर्डर पर डटा रहता है अपने देश की रक्षा के लिए। उसी प्रकार आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपका जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने को बिस्तर पर छोड़ना पड़ता है। साथियों, आज भले ही बारिश हुआ, खुदा ना वास्ता 21 अगस्त से आपकी भर्ती होने जा रही है। अगर खुदा ना वास्ता डेट में अगर बारिश आ जाता है तो कहीं ना कहीं हर माहौल पर अपने आप को ढालने की आदत आपको होना चाहिए। मैं आज यहाँ पर जितने भी जवान यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हो उनके अंदर वो जुनून है, जज्बा है, उन्होंने अपने आप को हर माहौल पर तैयार कर लिया है। चाहे इनके सामने कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी टारगेट हो, ये पूरा करने का दम रखते हैं। अरे दम रखते हो? यस सर। अरे तैयार हो? यस सर। आज इनका टेस्ट है 1600 मीटर रेस का। जो छात्र मुझे अपने वीडियो पर देख रहे, जो युवा साथी मुझसे जुड़े हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो मेरा हमारा जो कमांडो ग्रुप का जो मिशन है कि जिले में हर गाँव से एक बंदा फौज के लिए अपने देश भक्ति के लिए वहाँ पर जाए, इसके साथ में हम लोग कुछ देर के बाद में यहाँ पे 1600 मीटर का रेस चालू करेंगे। जय हिंद जय भारत। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खेक मजा जीने जीत में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते जवाब लगे सुने में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आपका 1600 मीटर का रेस है, आपको एक्साइटेड नहीं होना है, गेम प्लान के साथ में दौड़ना है। पानी भर चुका सामने, आपको कैसे आपको जैसे आपकी रनिंग स्टार्ट होती है 60 मीटर का शूट मार के अपने जो रूट बना उस रूट को पकड़ते हुए आपको बॉडी को मेंटेन करते हुए दौड़ना है, ठीक है? यस सर। सेकंड राउंड में बंदे को कवर करना है। क्या करना है? कवर करना है। और जब थर्ड राउंड जब स्टार्ट होता है तो सामने वाले बंदे को काटते हुए आगे बढ़ना है। ओके सर। चौथा जो राउंड होता है, जैसे आपका 200 मीटर बाकी है उसमें सभी को स्टिल शूट मारना है, ठीक है ना? सभी का टाइम कवर होगा। तैयार हो? यस सर। चलो भाई तैयार रहना। हां मुसा लास्ट है बढ़ावे चल बढ़ाते हुए चल लास्ट है।
चलो मटके चलो मटके लगाओ स्टेप कौन चले बटके साथियों आपने देखा होगा कि हमारा जो आज का जो टेस्ट है जो बारिश में भी जो टेस्ट हुआ टेस्ट के बाद में हमारा जो आज में जो अलग एक टीम होता है देख सकते हो कि 9 फीट गड्ढा कैसे खोदा जाता साथियों आपने देखा कि रनिंग के बाद में हमारा जो अगला स्टेप था 9 फीट का गड्ढा था उसके बाद में फौज के अगला जो एक्टिविटी होता है जो आगे कार्रवाई होती है वो होता है बीम बीम के आपके पास 40 मार्क्स है और डिपेंड ये करता है कि बंदे कितने नंबर निकाल सकते हैं वहाँ से तो आपको देखना है कि बीम कैसे मारा जाता है फौज के अंदर तो ये सारी चीज़ आपको बता दिया जाएगा तो साथियों जवानों मेरा आपने देखा होगा अभी कि अभी हमारे जो कमांडो ग्रुप है हमारा फिजिकल टेस्ट हो चुका है कंप्लीट तो मैं जितने भी छात्र जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अपने टारगेट अपनी मंजिल को पाने के लिए सुख चैन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप अपने आप को समाहित नहीं करोगे जब तक आप सोल्जर बनने लायक नहीं हो तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो छात्र जीवन जो होता है उनके लिए ना ही कोई त्यौहार होता है ना चाहे कोई रिश्ते नाते सबको त्यागना पड़ता है क्योंकि आने वाले 30 दिनों में हमारे जो भर्ती होने जा रही है भोपाल यारों में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे 809 जिले सम्मिलित होंगे कंपटीशन तगड़ा है आपके पास में एक एक दिन बहुत मायने भाई क्योंकि भर्ती का दर्द उस बंदे को पूछो जो बंदा तीन तीन चार चार भर्तियों में बाहर हो चुका है तो ये जो समय का जो कीमत होता है मेरे भाई वहाँ भर्ती में पता चलता है तो मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा जितने भी जो साथी अग्निवीर आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपके पास समय कम बचा है
अभी भी आपके पास कुछ भी नहीं बिगड़ा आपका, आप ग्राउंड निरंतर जारी रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करे। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अजित कुमार जी जय हिंद। जय हिंद सर। तो आज आपने टेस्ट दिया, फिजिकल टेस्ट, आज सुबह से मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रहा था, लेकिन जो अपने जो मिशन था भर्ती को लेकर है, तो आप जब सुबह उठ कर आए तो आपके मन में क्या सवाल उठा, यहाँ पे कैसे आप ग्राउंड पर बताइए। बस सर हमने ये सोचा था, सर ने मैसेज डाल दिया था ग्रुप पे कि 6:20 तक आना है, लेकिन हम यहाँ 6 बजे पहुँच गए थे और बारिश हो रही थी, लेकिन क्या बंदे आए नहीं थे तो सब भग रहे थे इधर उधर। फिर ऐसा था कि बारिश जैसे ही रुकी वैसे सर ने बुला लिए सबको, जमा करके टेस्ट करवा दिया। और इससे पहले ऐसा भी हुआ है पिछले बार कि बारिश हो या कुछ हो टेस्ट होता ही था। तो सब जोरदार तालियां।